Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. Today 9 July 2019 Tuesday है, सुबह के 8:17 हो रहे हैं। कल हमने देखा कि जो फ्राइडे को लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना था उससे भी बड़ा लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक कल बना। कल 15th लार्जेस्ट इंट्राडे फॉल था लास्ट टू डिकेड्स में। तो ये फिर से एक बार इन्वेस्टर्स के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एक डिस्काउंट प्राइस में फिर से मार्केट में एंटर करने का ये एक अपॉर्चुनिटी है। जो गवर्नमेंट ने पब्लिक पार्टिसिपेशन 25% से 35% कर दिया है लिस्टेड कंपनीज में, उससे ये सप्लाई सेलिंग देखने को मिल रही है, और जैसे सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और उससे प्राइस में गिरावट आएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी है स्मॉल इन्वेस्टर्स को। ऐसे जो लार्ज कैप कंपनीज है लाइक रिलायंस है, TCS है, इंफोसिस है, L&T है, इसमें फिर से एक बार एंटर हो सकते हैं। लार्ज कैप कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में वो शामिल कर सकते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। SIP जो कर रहे हैं उनके लिए भी अपना जो पोर्टफोलियो है वो पोलराइज कर सकते हैं और सही प्राइस में एवरेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें, ट्रेडर्स को तो फर्क नहीं पड़ता, और जितना मार्केट गिरता है उतना कमाई का मौका भी काफी होता है फॉर अ ट्रेडर। तो ये गिरावट, ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, जितना गिरेगा उतना ही आगे और ये बढ़ेगा। बजट सिर्फ पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो 25% से 35% किया है उससे थोड़ा नाखुश दिखाई दे रहे कॉर्पोरेट्स, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय को मद्देनजर रखते हुए ये बजट है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पोर्टफोलियोज में अच्छे लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स नहीं है तो वो एक बार फिर से शामिल करने का मौका है। तो कल के एनालिसिस का सबसे पहला क्विकली रिव्यू करेंगे। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 8 जुलाई आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्री प्लान निफ्टी ओपन होने से पहले हमने इंट्राडे प्लान बनाया था, तभी हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,775। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,775, और ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,840। तो जैसे आप देख रहे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स कल, और तुरंत एक दो सेकंड में ही इसने फर्स्ट टारगेट भी अचीव कर लिया था। तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग करने का मौका नहीं था जो हमने ये प्री प्लान इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके हिसाब से, लेकिन लाइव मार्केट में काफी मौका था ट्रेड करने के लिए। तो कल के इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तो कोई नो ट्रेडिंग का प्लान नहीं बन रहा था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालत देख लेते हैं। कल भी अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स और नासडेक में गिरावट देखने को मिली, लाल निशान में बंद हुए। यूरोपियन बाजार भी देखे तो यहाँ पर भी हल्की सी कमजोरी देखने को मिली और लाल निशान में सभी बाजार बंद हुए। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है, और चाइना मार्केट और हांगकॉन्ग मार्केट अभी फिलहाल लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो 48 पॉइंट की अभी भी गिरावट दिख रहा है, और SGX निफ्टी हल्की सी कमजोरी यहाँ पर दिखाते हुए 8 पॉइंट के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से भी अभी थोड़े से निगेटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो यहाँ पर जैसे कि अभी देख रहे ये RSI जो है ये भी यहाँ पर लोअर हाईस क्रिएट कर रहा है ये यहाँ पर ऐसे, और इसने ये एवरेज लाइन को कट कर दिया। ऊपर MACD भी देखे तो निगेटिव क्रॉस ओवर यहाँ पर दिखा रहा है, MACD ये यहाँ पर निगेटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है। और अगर ऊपर प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो कल का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर हमने लास्ट वीक ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। अभी नेक्स्ट यहाँ पर ये फिर से इस वीक अगर ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक ऐसे ही बनता है तो और भी थोड़ी गिरावट यहाँ से एक्सटेंड होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। ये कंफर्मेशन है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बाद ये फिर से रेड कैंडल आना, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये और कितना एक्सटेंड होगा इसके लिए फिर से यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स हमने ड्रॉ किया है। कल का ये जो क्लोज है 11,558 ये एग्जैक्ट 20 EMA के पास है एज पर वीकली चार्ट। ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है कल का, इसका वैल्यू देखिए 11,558, और क्लोज भी कल का 11,558।
तो यहाँ पर हो सकता है होल्ड करे ये, या फिर अगर ये ब्रेक होता है कल का लो, यानी 11,523 कल का लो ब्रेक होता है, तो ये जो गैप क्रिएट हुआ था यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ये गैप क्रिएट हुआ था, इसका ये जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ये अराउंड 11,420 के पास है, तो ये गैप यहाँ पर जो पास्ट में क्रिएट हुआ था ये फील हो सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल से 11,488 जो कि 61.8% का लेवल है, यहाँ पर थोड़ा ठहराव देखने को मिल सकता है निफ्टी इंडेक्स में। अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर ये जो गैप का इनिशियल पॉइंट था 11,400, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट एज पर वीकली चार्ट यहाँ से फिर शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आ सकता है। ये करेक्शन है, अभी तक जो आया है वो करेक्शन है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 20 EMA अगर ब्रेक होता है, उसका लो कल का लो ब्रेक होता है, फिर 61.8% का लो ब्रेक होता है, तो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर वीकली चार्ट अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये 20 EMA को सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो ही हम शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल कल के जो हमने सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे, कल पूरे सपोर्ट लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं। अभी आगे क्या, कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है, ये आइडेंटिफाई करेंगे। वीकली चार्ट का फिलहाल ये सिनेरियो है, चलते हैं डेली चार्ट में। ये डेली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का, अगर आप डेली चार्ट में अगर इसे ध्यान से देखें तो ये जो 100 EMA है, वीकली चार्ट में 20 EMA के पास सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, और डेली चार्ट में ये जो 100 EMA है ये भी ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास आ रहा था, ये अराउंड 11,534 के पास है, और कल का लो था 11,523। तो अगर इस 100 EMA को मैं SMA कन्वर्ट कर दूं, यानी एक्सपोनेंशियल से मैं सिंपल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर दूं, तो लास्ट टाइम यहाँ पर इसने एक W फॉर्मेशन दिखाया था, काफी सपोर्ट टेस्ट किया 4-5 दिन यहाँ पर, और एक सुपर पैटर्न डबल बॉटम फॉर्मेशन बना के अपसाइड मूवमेंट दिखा दिया। तो अभी कल का लो अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल जो है ये 100 SMA का, वो एग्जैक्ट 61.8% के पास आ रहा है, 11,488 के पास। तो गैप ये फील होने से पहले ही ये सपोर्ट ले, ऐसा भी हो सकता है, और बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि जब तक ये प्रमोटर्स अपना 10% का स्टेक ओपन मार्केट में बेचते नहीं तब तक सप्लाई बढ़ते रहेगा। सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और इसका प्राइस बड़े कंपनीज का निफ्टी 50 के तो कम होता रहेगा, उसका निफ्टी इंडेक्स के ऊपर असर गिरेगा। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट सपोर्ट 11,488 का है, अगर ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है तो ये गैप का जो इनिशियल पॉइंट है 11,426, ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, तो ये है अभी तक के इंट्रा लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए लेवल्स। अगर शॉर्ट जा रहे हैं आप तो कोई भी बाउंस बैक आता है तभी शॉर्ट करने के लिए ट्राई करें, और लॉन्ग अगर पोजीशन बनाना है ओवरनाइट अगर बाय करना है तो अभी फिलहाल यहाँ पर बाय ना करें, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बियर्स का कंट्रोल यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये था डेली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। तो आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे। ये है 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स कल का ये जो लो बना है ये अराउंड 11,522 के पास अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को, तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,500, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट होगा 11,488, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा 488, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और ये जो कल इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है लास्ट हाफ एन आवर में, तो जो लास्ट आर का ये जो कैंडल है इसका अगर हाई ब्रेक करता है 11,580 का, ये हाई ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बनाएंगे, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,616, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,652। ठीक है, तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, आपके दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को जरूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।